अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग योर वर्किंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन योर SST यूनिट नंबर 3 इज फॉर योर सी वर्क। द टॉपिक इज आउट ऑफ द फैक्ट्री। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद मी। अ फैक्ट्री इज अ प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड। फैक्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ चीज़ें बनती हैं। मशीन्स आर यूज्ड टू मेक थिंग्स। मशीनों को चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ रॉ मटेरियल्स आर चेंज्ड टू प्रोड्यूस इनटू प्रोडक्ट्स। इस यूनिट में आपको बताएंगे कि रॉ मटेरियल क्या होता है। खाम माल को हम किस तरह से प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ये इसी फॉर्म में मौजूद नहीं होती, बल्कि इनको कई एक प्रोसेस से गुजारने के बाद इस फॉर्म में लाया जाता है। लाइक योर कैंडीज, चॉकलेट्स, ये इस तरह से नहीं है, अवेलेबल नहीं है, नेचुरल थिंग्स नहीं है, बल्कि इनको लोग फैक्ट्रीज़ में मशीन्स के ज़रिए से बनाते हैं। अ प्रोडक्ट इज़ अ थिंग दैट इज़ सोल्ड टू बायर्स। प्रोडक्ट क्या होती है, अब आपको ये बता रहे हैं। प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सेल की जाती है बायर्स को, ख़रीदार को। और रॉ मटेरियल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड। दैट इज़ यूज्ड टू मेक थिंग्स। एग्जांपल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स आर, रॉ मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं हमारे पास, नीचे आपको पिक्चर्स भी बनाकर दिखाई हैं। वीट विच इज़ यूज्ड टू मेक ब्रेड, ये वीट की पिक्चर है। वीट इस्तेमाल होता है, वीट गंदुम को कहते हैं, और ये ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। जो ब्रेड आप यूज़ करते हैं अपने ब्रेकफास्ट में वो इस वीट से बनती है। कॉटन विच इज़ यूज्ड टू मेक क्लोथ्स, ये कॉटन है। जो आप क्लोथ्स वेयर करते हैं वो इससे बनते हैं। अब इसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है तो फिर आपके क्लोथ्स प्रिपेयर होते हैं। अ बीज नेस्ट विच इज़ अ सोर्स ऑफ हनी। बीज नेस्ट, मक्खियों का छत्ता जो कि हनी हासिल करने के लिए में काम आता है, यानी जो आप शहद इस्तेमाल करते हैं, हनीज़ पसंद होता है बच्चों को, बच्चे खाते हैं, तो वो कहाँ से आता है, वो भी बीज के नेस्ट से हम लेते हैं। अब नीचे देखें, हम आपको दिखा रहे हैं फॉर्म कोको और चॉकलेट। अब किस तरह से कोको से चॉकलेट बनती है। स्टेप वन, कोका बीन्स कम फ्रॉम कोका ट्रीज़। कोका बीन्स जो हैं वो कोका ट्रीज से हासिल होते हैं। ये देखें, ये कोका ट्री आपको बना के दिखाई है और यहाँ पर ये कोका फ्रूट है, ठीक है। अब इस कोका फ्रूट से बीन्स निकलते हैं, बीज निकलते हैं, जिनसे वो आपके लिए जो चॉकलेट्स आप बड़े मज़े ले लेके खाते हैं वो बनाई जाती है। नेक्स्ट आपको स्टेप टू बताया। दीज कोका बीन्स आर टेकन टू द चॉकलेट फैक्ट्री। ये कोका बीन्स चॉकलेट फैक्ट्री में लेके जाते हैं। द बीन्स आर वॉश टू मेक रॉ चॉकलेट। अब इन बीन्स को वॉश किया जाता है रॉ चॉकलेट बनाने के लिए। स्टेप थ्री, ये नीचे आपको सारा पिक्चर में इन्होंने क्लियर किया हुआ है। स्टेप थ्री, शुगर इज़ एडेड इन द रॉ चॉकलेट टू मेक इट स्वीट। कोका बीन में शुगर ऐड की जाती है ताकि इसको मीठा बनाया जाए। स्टेप फोर, द चॉकलेट इज़ पैक्ड। अब यहाँ पे देखें, चॉकलेट पैक हो गई, यानी कि चॉकलेट प्रिपेयर हो गई और आपके लिए इस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होती है यूज़ करने के लिए। द फाइनल प्रोडक्ट इज़ सेंड टू द ग्रोसरी स्टोर्स, और ये जो प्रोडक्ट है ये ग्रोसरी स्टोर्स तक भेजी जाती है। नंबर द फॉलोइंग पिक्चर फ्रॉम 1 to 3, बिगिनिंग स्टेप एंड 3 द लास्ट स्टेप। अब यहाँ आपने देखा था कि कौन सा स्टेप आपका फर्स्ट था। जब हम पीछे देख रहे थे, पहले कोका बीन्स थी, ये नंबर वन है आपका। उसके बाद इसमें शुगर ऐड की तो ये स्वीट हुआ, ये नंबर टू स्टेप है। और लास्ट स्टेप जब आपकी चॉकलेट बिल्कुल रेडी हो गई। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस पैसेज 4 to 5 टाइम टू लर्न द न्यू वर्ड्स। थैंक यू सो मच।